नोमीड्यते ब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय बर्हपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणुः अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः वंशी विभूषित करा नवनीरदावात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरवरशाखालेखनी पत्रमुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यह शोकवहनी जनकात्मजाया आदायते नैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् श्रीमद्हंस समारंभ श्रीसनकादिक मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पग बंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री राधे वृषभानुजा भक्तनि प्राणाधार वृंदा विपिन बिहारिणी प्रणवो बारंबार चरण कमल ही राखि के जीवन होए अवधन्य प्रिया श्रेयस नित गान करूं चरण सरोज अनन्य जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री निंबार्क भगवान की जय। जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। आइए सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवान की भावमयी उपस्थिति में सम्मिलित होकर अकारण करुणा के सागर दीन बंधु की उस दिव्य लीला को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए, तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण मिलजुल कर बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवान के नाम को लें, भगवान के दिव्य संकीर्तन को करें, अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज नंदन नंदलाला
वल्लभ भगवान की श्री द्वारकाधीश की जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति वैष्णव संतों का परम धन परमहंस संगीता श्रीमद्भागवत परम भक्तमती माताएं एवं परम भक्त वृंद समूह, बड़े ही सौभाग्य की बात कि प्रभु की अकारण करुणा के कारण हम सभी को दीन बंधु की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने का सुंदर सद्भाग्य प्रभु ने हमें प्रदान किया। आइए उसी स्थान पर चलते हैं जहां शौनकाद 88,000 ऋषियों की मंडली के मध्य विराजमान श्री सूत जी महाराज और परीक्षित जी के सन्मुख विराजमान श्री सुखदेव स्वामी। श्री सूत जी कहते हैं शौनक, श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज सभी ब्रजवासियों ने भगवान के कहने से आनंद पूर्वक श्री गिरिराज जी की पूजन किया, परिक्रमा लगाई और सभी ब्रजवासी आज गिरिराज जी की पूजन और परिक्रमा से लौट करके वापस अपने अपने घर आए। लेकिन जब इंद्र को पता चला कि कृष्ण नाम के ग्वारिये के कहने से इन ब्रजवासियों ने मेरी वार्षिक पूजा बंद कर दी तो इंद्र बड़े क्रोधित हो गए और इंद्र को इतना क्रोध आया कि आज इंद्र ने पता है क्या किया, गडम सांबर तकम नामा मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यम चाहे समन्युता। आज सांबर्तक नामक गणों को बुलाया, जिन गणों को केवल प्रलय के समय में आदेश मिलता है उन गणों को इंद्र ने बुला लिया। मेघों ने आकर पूछा स्वामी हमारे लिए क्या आदेश, बोले पूरे ब्रज मंडल को जल में डुबो करके समाप्त कर दो। मेघों ने विचार किया कि अभी प्रलय का समय तो हुआ नहीं लेकिन फिर भी हमको बुलाया है, आज मेघ भी बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं लेकिन अपने स्वामी की आज्ञा पाकर के और पूरे ब्रज मंडल के ऊपर घनघोर काली घटा छा गई और उस काली घटा को देख करके सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े कन्हैया के पास में आए। कहते हैं अरे लाला, अरे कन्हैया देख देख भैया, हमने तो ते कही ना कि कहीं इंद्र पूजा न करने से कुपित हो गए तो तेरे देवता को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। और आज ब्रजवासियों से भगवान कहते हैं ब्रजवासियों चिंता करने की बात नहीं है, हमने जिन देवता की पूजा की है हम सबको उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। और आज सभी ब्रजवासी
आनंद पूर्वक सभी ब्रजवासी सानंद पूर्वक आज भगवान की शरण में, श्री गिरिराज जी की शरण में जाने के लिए तैयार हुए। और जैसे ही ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे तो मेरे प्रभु ने कहा, ब्रजवासियों सभी मिलकर के एक जोर का जयकारा तो लगाओ। और जैसे ही सबने बोला गिरिराज महाराज की जय, और सबके देखते देखते मेरे प्रभु ने अपनी छोटी उंगली पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया और कहा, ब्रजवासियों श्री गिरिराज जी की तलहटी में सब लोग आ जाओ। और सभी ब्रजवासी आनंद पूर्वक श्री गिरिराज जी की तलहटी में आ गए। और देखते देखते पता है ब्रजमंडल पर इंद्र ने जिन मेघों को बरसने का आदेश दिया उन्होंने बूंद नहीं टपकाई। वो इतने भीषण मेघ कि वो बूंद गिराने का काम करते ही नहीं है, वो तो जल की अनावृत वृष्टि करते हैं। कैसी? बोले हाथी के सूंड के बराबर मोटी मोटी जल की धार ब्रजमंडल के ऊपर गिरने लगी। प्रभु ने उसी समय सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि ऊपर से जो भी पानी की बूंद जल की धार ब्रजमंडल में आए उसे जला करके भस्म कर दो। और बलराम जी को आदेश दिया कि तुम शेष रूप लेकर के और पूरे ब्रजमंडल की परिधि बन जाओ ताकि बाहर का जल श्री गिरिराज जी में, श्री ब्रजमंडल में नहीं आ सके। और आज प्रभु ने अगस्त मुनि को भी बुलाया, क्योंकि अगस्त मुनि को त्रेता में प्रभु ने, राघवेंद्र सरकार ने भोजन कराया था। एक बार माता जानकी राघवेंद्र सरकार से बोली कि कोई अच्छा सा भोजन करने वाला ब्राह्मण लेके आओ ना, तो राम जी अगस्त मुनि को ले गए। ये भारत के मुनि, भारत के संत, कहूं कुंभज कहूं सिंधु अपारा। कुंभज ऋषि ने अपने चिल्लू में ही समुद्र को पी लिया। इन भारत के संतों का तो कहना ही क्या। आज अगस्त मुनि को बुलाए तो माता जानकी ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से अगस्त मुनि के लिए बड़े सुंदर पकवान बनाए। और अगस्त मुनि भोजन करते जा रहे हैं, भोजन करते करते सुबह से शाम हो गई, रात्रि भी निकल गई, दूसरा दिन हो गया। तो माता जानकी ने भोजन बनाने के लिए बताया किसको बुलाया, अष्ट सिद्धियां नव निधियां, ये सब भोजन बनाने का काम करती हैं माता जानकी, भोजन परोसती हैं। और भोजन करते करते गुरुजी को एक पक्ष यानी 15 दिन हो गए। और 15 दिन के बाद माता जानकी कहती हैं, गुरुजी हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि जब भोजन आधा होता है तो जल पीते हैं। गुरुजी ने कहा, माताजी जब आधा होगा तो जल पी लेंगे। तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं, गुरुजी अब जल तो हम आपको द्वापर में पिलाएंगे। तो आज प्रभु ने अगस्त मुनि को बुला करके कहा कि जितना इंद्र जल वृष्टि कर रहे हैं सबका पान कर जाओ। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे और लाठियां श्री गिरिराज जी में लगा रखी हैं रोकने के लिए। 3 दिन के बाद ब्रजवासी कहते हैं, लाला हम तो कभी बैठ जावें, लाला हम तो कभी अपने डंडे को हटा लेवे, अपने हाथ को नीचे कर लेते हैं। लेकिन कन्हैया तेने तो अपनो हाथ 3 दिन आते भैया बिल्कुल नीचे ना कियो, एक काम कर तू नेक देर आराम कर ले जब तक यह गिरिराज पर्वत को हम संभाले। भगवान ने एक बार तो कहा, नहीं नहीं ब्रजवासियों हम ठीक हैं। तो ब्रजवासी कहते हैं, लाला या को मतलब तो जे है गयो कि सबरो गिरिराज पर्वत तेने अकेले नहीं उठाए राखो, हम तो कहू काम के है ही ना है। लेकिन ब्रजवासियों के मन को रखने के लिए जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली को जरा सा नीचे किया कि चट चट करके उनकी लाठियां टूटने लगी, तो ब्रजवासी कहते हैं, अरे भैया, अरे लाला कन्हैया संभालियो भैया। और भगवान ने फिर धारण कर लिया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत मेघों ने इतनी जल वृष्टि की कि मेघों के पास जल समाप्त हो गया। अब जब मेघों के पास में जल नहीं है, मेघ लौट लौट करके वापस जाने लगे। लेकिन मेघ साथ में ये भी देख करके जा रहे हैं कि जहां हमने जल वृष्टि की है वहां तो धूली उड़ रही है। और मेघों ने आज इंद्र को जाकर के बताया, राजन
आपने जिस काम के लिए हमको भेजा हमने अपना संपूर्ण जल समाप्त कर दिया, लेकिन ब्रजमंडल में तो धूली उड़ रही है, वहां तो पानी की एक बूंद नहीं गई। तो बोले पानी गया कहां? लेकिन अब इंद्र को पता चल गया, अब इंद्र समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वास्तव में जब तक हम अभिमान के वशीभूत होकर के और अपने सामने किसी को गिनते नहीं है, तब तक जीवन में प्रभु की कृपा प्राप्त हमको नहीं होती। और जैसे ही हम अपने जीवन में सरलता के माध्यम से अपने प्रभु की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, मेरे गोविंद कृपा कर देते हैं। कभी कभी कितना बड़ा भारी ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन ज्ञान से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाती। आज इंद्र कहते हैं मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने अपराध इतना बड़ा किया कि भगवान के परम धाम ब्रजमंडल को ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया। मैं तो क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं हूं, मैं कैसे जाऊं प्रभु के पास? लेकिन इंद्र बड़े चतुर हैं, भगवान ने 7 दिन के बाद में श्री गिरिराज जी को वहीं पर स्थापित किया। ब्रजवासियों को लेकर के भगवान अपने घर वापस आए। अब इंद्र प्रभु से क्षमा मांगने की युक्ति बना रहे हैं। इंद्र कहते हैं प्रभु मैं कैसे आपसे क्षमा याचना करूं? तो इंद्र ने क्या युक्ति सोची? इंद्र बड़े चतुर हैं, इंद्र ने सबसे पहले भगवान की परम प्रिय गौ माता को अपने साथ में लिया। बोले अकेला जाऊंगा तो बात नहीं बनेगी, भगवान सबसे अधिक प्रेम करते हैं गौ माता से। और गौ माता को अपने साथ में लेकर के इंद्र ने आगे आगे गौ माता को किया और पीछे पीछे स्वयं गौ माता ने प्रथम जाकर के भगवान का अपने दूध से अभिषेक किया और भगवान को एक सुंदर नाम दिया। क्या बोलो? गोविंद भगवान की जय। गोविंद नाम प्रभु को गौ माता ने प्रदान किया। गाम बिंदतीत, गौ के द्वारा जिसका वंदन किया जाए वो गोविंद हैं। आज गौ माता को देख करके भगवान जब प्रसन्न हुए और भगवान की प्रसन्नता को देख करके तब इंद्र ने अपनी स्तुति आरंभ की। मानो यदि वास्तव में आपको अपना काम किसी से बनाना है तो पहले सही समय की प्रतीक्षा करो। अब कोई व्यक्ति पहले से ही बहुत परेशान है और आपने जाकर के अपनी परेशानी और बता दी तो क्या आपका काम बनेगा? नहीं। इंद्र ने बिल्कुल सही सटीक समय की प्रतीक्षा की। गौ के पूजन के माध्यम से जब भगवान प्रसन्न हुए और भगवान की प्रसन्नता को देख करके इंद्र ने तब अपनी बात कही। इंद्र कहते हैं प्रभो विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुणसं प्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबंध। हे प्रभु विशुद्ध सत्व स्वरूप आप हैं, तब धाम शांतम शांताकार आप हैं प्रभु, तमोगुण और रजोगुण को ध्वस्त करने वाले प्रभु आप हैं, ध्वस्त रजस्तमस्कम इस संसार में सबके स्वामी, इस संसार को बनाने वाले प्रभु, इस संसार में सब कुछ करने वाले एकमात्र प्रभु आप ही हैं और कोई नहीं है। प्रेम से बोलो यहां जगह का अभाव है, प्रसाद को उधर भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, यहां थोड़ी सी जगह कम है, बाद में फिर हटाओगे, इससे अच्छा वहीं रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुणसं प्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबंध। विशुद्ध सत्व स्वरूप प्रभु आप हैं, प्रभु दीन बंधु सबके ऊपर दया करने वाले, माया अथवा माया के गुणों से परे हैं आप प्रभु। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध मैंने इतना बड़ा कर दिया
कि मेरा अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चे अपराध करते हैं तो क्या माता पिता उनको घर से निकाल देते हैं? और इंद्र ने यहाँ पर प्रभु से अपना संबंध बनाया। इंद्र कहते हैं, पिता गुरुस्त्वं जगतात्मधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनाम। हे प्रभु, आप ही तो मेरे पिता हैं, और मेरे क्यों? इस संसार को बनाने वाले तो संपूर्ण संसार के जगत पिता तो प्रभु आप हैं। इस संसार को आप ही चलाते हो, इसलिए पालन करने वाले मां भी आप ही हो, और प्रभु मार्गदर्शन करने वाले गुरु भी आप ही हो, इसलिए पिता गुरुस्तम जगतात्मधीशो। प्रभु अपने स्वभाववत मैं गलती कर बैठा, लेकिन प्रभु आपकी कृपा को कौन नहीं जानता, आपकी दया को कौन नहीं जानता। भले ही मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपकी कृपा कितनी बड़ी है, आपका स्वभाव कैसा है। बोले, जो पूतना आपको मारने के लिए आई, उस मारने वाली पूतना को लेभे गतिम धात्र चिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। मारने वाली पूतना को मां की गति आपने प्रदान कर दी, आपसे बड़ा दयालु इस संसार में और कौन हो सकता है। प्रभु ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रव ही दीन पर राम सरिस को नाही। बिन सेवा जो द्रव ही दीन पर राम सरिस को नाही। आपसे बड़ा उदार कोई और नहीं है, आपसे बड़ा दयालु, आपसे बड़ा कृपालु कोई और नहीं है। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे दयालु, इंद्र इतनी सुंदर स्तुति करते हैं और कहते हैं, प्रभु अब मुझे इंद्र का इंद्रासन नहीं चाहिए, अब मुझे स्वर्ग का आधिपत्य नहीं चाहिए, अब मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। प्रभु अब आप केवल देना चाहते हो, कृपा करना चाहते हो। प्रभु एक ही कृपा मेरे ऊपर कर दो, क्या मुझे ब्रजमंडल में वास मिल जाए, मुझे ब्रज में रहने का सद्भाग्य मिल जाए। और भगवान ने इंद्र को क्षमा भी किया। भगवान कहते हैं, इंद्र एक बात हमेशा याद रखना कि जो मेरा अपराध करता है, मैं अपने अपराध को क्षमा तो कर देता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों का अपराध करता है, मैं चाह करके भी अपने भक्तों के अपराध को क्षमा नहीं कर पाता हूँ। और वास्तव में ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं, हम भक्तन के भक्त हमारे और सुन अर्जुन यह प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत टरहिन टारे। भक्त हमारे पग धरे वहां धरू मैं हाथ और सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ू साथ। इंद्र तुमने मेरे परम प्रिय ब्रजवासियों का अपराध किया। जो ब्रजवासी मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और ऐसे प्रिय भक्तों का अपराध किया। लेकिन वास्तव में प्रभु ने इंद्र को क्षमा किया, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। जबकि इंद्र ने केवल 10 श्लोकों में स्तुति गाई और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति गाई, तो ब्रह्मा जी को क्षमा क्यों नहीं किया? बोले, सबसे पहली बात देखी जाए तो घर में कोई छोटा गलती करता है तो उसको क्षमा करते हैं, लेकिन घर का मालिक गलती करेगा तो वो तो क्षमा के योग्य नहीं है। आज इंद्र के और ब्रह्मा जी के पद में हम अंतर देखें तो इंद्र केवल एक स्वर्ग के राजा हैं और ब्रह्मा जी तो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, और दोनों के अपराध में भी अंतर है। इंद्र ने जो अपराध किया उसमें भगवान के भक्त 7 दिन भगवान के पास में रहे, और ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया उसमें 1 वर्ष के लिए भगवान के भक्त भगवान से दूर चले गए। इसलिए प्रभु ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा किया। भगवान कहते हैं, इंद्र क्या करोगे गिरिराज जी की तलहटी में रह करके,
क्योंकि यहाँ ब्रज में श्री गिरिराज जी की तलहटी में आपको क्या मिलने वाला है? बोले ककरीली जमीन और करील के झाड़। स्वर्ग में जो सुख है वो यहाँ कैसे मिल सकता है? भगवान इंद्र कहते हैं, प्रभु अब मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, प्रभु मैं पड़ा रहूंगा गिरिराज जी की तलहटी में। और जब आपके परम प्रिय ब्रजवासी भक्त जब श्री गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए आएंगे और उनके चरणों से उड़ने वाली रज जब मेरे मस्तक पर लगेगी ना, तो मेरा इंद्र बनना भी सार्थक हो जाएगा। और कहीं उसमें प्रभु यदि आपको मेरा स्मरण आ गया, आपको मेरी याद आ गई, तो फिर मैं अपने भाग्य की सराहना ही नहीं कर सकता। और प्रभु ये मेरा विश्वास है, क्या याद आएगी तुमको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हे प्रभु आपने ऐसी अद्भुत कृपा कर दी मेरे ऊपर, ऐसी दया कर दी प्रभु, और आपकी दया के माध्यम से ही आज मुझे यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। बिना आपकी दया के प्रभु मुझे कुछ भी मिल नहीं सकता। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों भगवान जब जीव के ऊपर कृपा करते हैं, भगवान जब करुणा करते हैं, कभी कभी होता क्या है कि भगवान की कृपा हमको दिखाई नहीं देती, भगवान की करुणा हमको दिखाई नहीं देती। प्रेम से बोलो, भक्त के अंदर पता नहीं कौन सा गुण देख करके दयानिधि रीझ जाते हैं। आज एक बड़ी सुंदर भाव मुझे याद आया, कोई भी एक ऐसा गुण हो कि जिस गुण के माध्यम से परमात्मा रीझ जाए। एक भक्त था, भक्त बड़ा लोभी था, एक नया पैसा कभी खर्च नहीं करता, बड़ा लोभी भक्त। और उस लोभी भक्त को लोगों ने व्यंग में उस लोभी भक्त का नाम रख दिया दानचंद। दान तो कभी जीवन में एक पैसा किया नहीं, पर नाम रख दिया दानचंद। अब तो जहां भी दानचंद आवे लोग कहें दानचंद जी आइए, बड़ी कृपा की, अरे कुछ तो दान पुण्य कर लेते। अब तो सब लोग इनको व्यंग में दानचंद दानचंद कहते हैं। जीवन में दान एक रुपया किया नहीं, तो एक दिन पत्नी ने कहा कि दान तो तुम कर नहीं सकते, धन खर्च तो तुम कर नहीं सकते, तो बोले एक काम कर लो कि गंगा जी नहाओ। अब इसके गांव से गंगा जी पास में ही थी, केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर। इसने सोचा कि एक काम बिल्कुल ठीक है, 12 किलोमीटर पैदल चल के जाऊंगा, गंगा नहा के आ जाऊंगा। आज यह दानचंद बोले लेकिन कुछ लेकर के नहीं जाऊंगा, यदि जेब में कुछ लेकर के गया तो गंगा जी पर तो पंडा जी होते हैं, तो पंडा जी कुछ मांगने लगे तो अपने घर से एक फूटी कौड़ी भी लेकर के नहीं गया और पैदल ही पैदल 12 किलोमीटर चल करके गंगा जी जा रहा है। इसने विचार किया कि मैं जाऊंगा ही ऐसे घाट पर कि जहां पर कोई मिलेगा ही नहीं। अब देखिए कितना लोभी है ये, इतना लोभी कि जहां सब लोग घाट पर स्नान करते हैं वहां नहीं गया, ये कौन से घाट पर गया, ये सीधा पहुंचा मुर्दा घाट पर। इतना लोभी बोले यहां कोई नहीं मिलेगा। मुर्दा घाट पर पहुंचा, जल्दी से इसने अपने कपड़े उतार करके और किनारे पे रखे और जल्दी डुबकी लगाता हूं। और जैसे ही इसने गंगा जी में डुबकी लगाई, अब भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, भगवान ने विचार किया और लोभी तो बहुत देखे पर ऐसा लोभी कोई नहीं देखा जो कुछ देने के चक्कर में मुर्दा घाट पर जहां कोई आना नहीं चाहता वहां आ गया। तो भगवान भी पंडा का रूप लेकर के और उसी घाट पे आ गए। और जैसे ही डुबकी लगा कर गंगा जी से बाहर इसने देखा, पंडा बने। भगवान कहते हैं जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। बोले आप, बोले पंडा हैं हम। बोले पंडा, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, कम से कम एक घाट तो छोड़ देते। बोले हम बड़े संतोषी पंडा हैं, कोई कभी कभार
साल दो साल में एक यजमान आता है और एक ही यजमान दो चार साल का दे करके हमको चला जाता है। बोले दो चार साल का? बोले हमसे तो दो चार दिन की भी अपेक्षा मत करना, एक दिन की भी अपेक्षा मत करना। बोले ऐसा भी नहीं है, जबरदस्ती किसी से लेते नहीं है, जो श्रद्धा से दोगे तो ले लेंगे। अब तुम्हारी इच्छा मन की, क्या देना चाहते हो? दानचंद ने कहा हम देना तो कुछ चाहते ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो हमारे पास जेब में तो कुछ नहीं है, उधार लिख लो। बोले कितना लिख लें उधार? बोले एक धेला। बोले एक धेला उधार लिख लो। एक धेला उधार लिखवा करके और दानचंद जल्दी से नहाकर दौड़कर अपने घर आया। आकर के बेचारा थक करके सो गया, 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर आया। जैसे ही शाम का समय हुआ, पंडा बने भगवान घर आ गए और भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान ने दरवाजा खटखटाया तो दानचंद की पत्नी निकल करके आई। भगवान कहते हैं यजमान की जय हो, आपके स्वामी जी आज गंगा स्नान करने गए थे ना, कुछ लिखवा के। पत्नी अंदर गई, बोले गंगा जी नहाने गए, कोई मिला था क्या? और कोई मिला था उससे कुछ बोल के आए थे? अब बोल के आए थे तो वो आ गए हैं बाहर, समझ लो। तो दानचंद ने कहा, बोले एक काम करो, तुम उनसे कह दो कि अभी दानचंद जी की तबीयत खराब है, तुम दो चार दिन के बाद आकर के मिलना। बेचारी पत्नी गई और पत्नी ने कहा कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप दो चार दिन के बाद आना। दानचंद जी ने कहा जजमान की तबीयत ठीक नहीं है? भगवान बोले कि जजमान की तबीयत ठीक नहीं? बोले बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बोले एक काम करो, जब तबीयत ठीक नहीं है, अब आप अकेली तुम क्या करोगी? हमारा बिस्तर भी जजमान के बगल में लगा दो, हम भी जजमान की सेवा करेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे। पत्नी बेचारी फिर अंदर गई और पत्नी ने कहा यहीं रहने की बात करते हैं, यहीं सोने की बात करते हैं, यहीं खाने की बात करते। बोले तुम एक काम करो, उनसे बोल दो कि दानचंद जी तो पधार गए, चले गए, चल बसे। और थोड़ा सा रो करके कहना। बेचारी पत्नी दरवाजे पर आई और पत्नी कहती है कि वो तो अभी अभी पधार गए। बोले पधार गए? अरे अब पधार गए तो तुम अकेली कैसे क्या करोगी, क्या काम करोगी? और उसी समय पंडा बने भगवान पूरे गांव में घूम गए, दानचंद जी नहीं रहे, दानचंद जी नहीं रहे, और पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, अब तो ले जाने की तैयारी करने लगे। सबने सब तैयारियां की, काठी बनाई और काठी पर दानचंद जी को रखा। लेकिन इतना लोभी कि सांस रोके पड़ा है। और जैसे ही दानचंद जी को उठा करके चलने लगे, अब इनकी पत्नी को तो सब पता ही था, तो पत्नी कहती है ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। लेकिन गांव के लोग कहते हैं ये तो आपका मोह बोल रहा है, जाने वाला तो चला गया। ले जा करके बेचारे दानचंद जी को और शमशान घाट में ले आए। बढ़िया इनकी चिता सजाई गई और चिता पर जैसे ही दानचंद जी को रखा, भगवान ने विचार किया ये जल करके मर जाएगा, पर देने वाला कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा, बोले भैया जजमान जाने वाला है, तो अब ऐसा है इनके कान में हम मंत्र बोलेंगे तो मंत्र से इनकी मुक्ति हो जाएगी। गांव के लोगों ने कहा भैया कोई बात नहीं, बड़े आराम से मंत्र बोलो। और गांव के लोगों ने जैसे ही सब हट गए, केवल अकेले भगवान और दानचंद चिता पर पड़ा हुआ है, तो कान के पास जाकर के भगवान ने कहा कि हम भगवान हैं, भगवान। और जैसे ही दानचंद ने अपनी एक आंख खोल के देखा तो वो ही पंडा जी। बोले तुम कोई भगवान नहीं हो, अपना धेला लेने आए हो। भगवान कहते हैं कि तज बैकुंठ को आए हैं तुम हित नाता जोड़। हम बैकुंठ को छोड़ करके तुमसे कुछ संबंध बनाने के लिए आए, भगवान हैं हम, और तुमको भरोसा नहीं होता तो तज बैकुंठ को आए हैं तुम हित नाता जोड़, और भरोसा नहीं होता तो मांग लो वरदान। तो हाथ जोड़ के दानचंद बोला, बोले धेला दीजिए, छोड़ अपना धेला, छोड़ दो, अपने घर जाओ, हमें तुमसे कोई काम नहीं है। तो पता नहीं भगवान भी कौन से गुण पे रीत जाए और कब कृपा कर दें। इसलिए सदैव भगवान की कृपा का अनुग्रह मान करके जीवन जीना चाहिए। कभी भगवान से शिकायत मत करो, हे प्रभु आपने मुझे ये नहीं दिया, हे ठाकुर जी आपने मुझे, मेरे पड़ोसी के पास में ये है और मेरे पास में ये नहीं है। क्योंकि जितना तुम दूसरे के सुख को देख करके
प्रसन्न होगे, ठाकुर जी उतनी ही कृपा आपके ऊपर करेंगे और दूसरे को सुखी देख करके दुखी होगे तो भगवान आपके हिस्से का सुख भी उसी को दे देंगे। प्रेम से बोलो। इसलिए भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, उसी में संतुष्ट रह करके अपना जीवन यापन करने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। आज इंद्र कहते हैं, प्रभु मुझे न स्वर्ग जाना न मुझे इंद्र बनना, अब केवल आपके ब्रजवासियों के साथ आपका प्रेमास्पद मुझे प्राप्त करना है। प्रेम से बोलो। और वास्तव में जो भगवान के प्रेमास्पद को प्राप्त करते हैं, और आज जिसका मन एक बार श्री गिरिराज जी की तलहटी में लग गया, जिसका मन एक बार ब्रजवास करने को हो गया, तो वास्तव में उसका जीवन तो कृतार्थ हो जाता है। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो गोवर्धन गिरधारी, बुला लो गोवर्धन गिरधारी, बुला लो गोवर्धन गिरधारी, बुला लो गोवर्धन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो गोवर्धन गिरधारी, बुला लो गोवर्धन गिरधारी, बुला लो गोवर्धन गिरधारी, बुला लो गोवर्धन गिरधारी। बाके बिहारी लाल की, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए। कोई दिखे रास्ता तेरा, दीन दयाल पकड़ लो भैया, 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 केवल आस तिहारी, केवल आस तिहारी, बुला लो जय हो, बुला लो राधे, बुला लो गोवर्धन गिरधारी, बुला लो गोवर्धन गिरधारी, बुला लो गोवर्धन गिरधारी, बुला लो गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन नाथ की, मेरी खाली गागर, अपनी दया के सागर भर दो, 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 आया शरण तिहारी, ओ आया शरण तिहारी, बुला लो जय हो, बुला लो श्री राधे, बुला लो गोवर्धन गिरधारी, बुला लो गोवर्धन गिरधारी, बुला लो गोवर्धन गिरधारी।
ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना, दीन जान ठुकरा नहीं देना, अपनी चरण की सफल रज देना, अपनी चरण की सफल रज देना, युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज इंद्र बड़ी कृपा कर रहे हैं, प्रेम से बोलो। आज इंद्र बड़ी सुंदर कृपा कर रहे हैं, इंद्र के मन को बड़ी शांति मिली। और आज सभी ब्रजवासी भगवान के पास में आए और कहते हैं, लाला कन्हैया तू तो भगवान है। बोले आपने कैसे जानी? बोले गिरिराज पर्वत तेने उठायो, पूतना तेने मारी, लाला अगासुर को तेने मारो, बकासुर को उद्धार तेने कियो, पूरे ब्रजमंडल में अग्नि लग गई, उस दावाग्नि का पान कन्हैया तुमने किया, इसलिए तुम तो भगवान हो। भगवान ने आज एकादशी के दिन बाबा नंद, जब भी कभी बात आती है ब्रजवासी बार बार भगवान से एक ही प्रश्न करते हैं कि लाला तू भगवान है। आज सभी ब्रजवासी आनंद पूर्वक बड़े प्रेम से बड़े भाव से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे राधे। आगे बैठने वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भाई देखो, हम किसी से कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी 1% भी, और ना ही कहेंगे। बस आप इतना मान लीजिए कि वक्ता कथा जब ही कर सकता है जब श्रोता कथा सुने। आप लोग आगे बात करोगे तो हमको ऐसा लगता है कि आप कथा समझ में नहीं आ रही, आप सुन नहीं रहे हो। तो इसलिए आगे बैठने वालों को तो विशेष ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा। और आप लोग आपस में काना फूसी करते रहोगे तो फिर बात हमारे भी दिमाग से निकल जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी काना फूसी बात नहीं करनी। बात करने के लिए पूरी रात पड़ी है, पूरा दिन पड़ा है, ये 4 घंटे केवल कथा को दीजिए। आज बाबा नंद ने एकादशी का व्रत किया और बाबा नंद को आज रात्रि में जब समय का भान नहीं रहा तो बाबा नंद एकादशी के अर्धरात्रि के समय यमुना जी में स्नान करने के लिए आए। बाबा नंद यमुना जी में स्नान करते हैं और अर्धरात्रि के समय स्नान करने के कारण आज बाबा नंद को वरुण के दूत पकड़ करके ले गए। वरुण के दूत बाबा नंद को पकड़ करके ले गए और जाकर के बाबा नंद को बंदी गृह में बंद कर दिया। और जब बाबा नंद बंदी गृह में पहुंचे
प्रातः काल हुआ, जब बाबा नंद नहीं मिले तो भगवान यमुना जी के माध्यम से सीधे वरुण लोक पहुंचे और वरुण लोक जाकर के वरुण ने भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया। अपना सिंहासन छोड़कर के भगवान को सिंहासन पर बिठाया। भगवान ने कहा, वरुण तुम हमारी आरती पूजा करते हो लेकिन तुमने हमारे पिताजी को बंदी गृह में बंद कर दिया, तुमने हमारे पिताजी को बंद कर दिया। आज वरुण लोक में। वरुण कहते हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपने बड़ी दया की कि आपका पादार्पण यहां हो गया। आप यदि आदेश कर देते तो मैं बाबा को लेकर के आता। बाबा नंद को लेकर के ससम्मान वरुण ने बाबा नंद को विदा किया। और जैसे ही भगवान बाबा नंद को लेकर के ब्रजमंडल में आए, ब्रजवासियों से जब बाबा नंद ने कहा कि अरे लालाओ, अपनो जे कन्हैया है ना, ये तो भगवान है, क्योंकि अपने कन्हैया की बड़ी सुंदर आरती पूजा किसने की पता है? वरुण ने, स्वयं वरुण देव ने इनकी पूजा की। अब तो ब्रजवासी कहते हैं, लाला तू भगवान है, कन्हैया तू भगवान है। और आज भगवान ने भी कह दिया कि हम भगवान हैं, बताओ कहाँ करोगे। तो ब्रजवासी कहते हैं, लाला तू भगवान है, तू भगवान भले ही बनो रहे, बस एक काम अवश्य कर। क्या? तू भगवान है, भगवान भले ही बना रहे, पर हमने सुना है कि भगवान तो बैकुंठ में रहते हैं, तुम अपने बैकुंठ का दर्शन हमको करा दे बस। और आज प्रभु सभी ब्रजवासियों को बैकुंठ ले गए, ब्रह्म कुंड के माध्यम से समस्त ब्रजवासियों को बैकुंठ में ले गए। और ब्रजवासियों ने जैसे ही कन्हैया को बैकुंठ में देखा कि भगवान सहस्त्र फणों के सर्प के ऊपर शयन कर रहे हैं, शेष नाग के ऊपर, तो ब्रजवासी कहते हैं, चलो अपने कन्हैया से चल करके मिलते हैं। तो देवताओं ने कहा कि मौनम आस्ताम, चुप रहिए, क्योंकि बैकुंठ में कोई किसी से बात नहीं करता, क्योंकि बैकुंठ में सबके मन की बात सब लोग जानते हैं। बैकुंठ में किसी को किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रजवासी बोले, बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, चल करके मिल तो सकते हैं। तो देवताओं ने कहा, लाइन में खड़े होकर के केवल स्तुति गाओ। और सभी देवता लाइन में खड़े होकर के सुंदर स्तुति गा रहे हैं। और आज बड़ी दिव्य स्तुति चल रही है। लेकिन ब्रजवासियों के मन में भाव आया, अरे लाला कन्हैया, हमें तो हमारे वृंदावन बोला। और जैसे ही ब्रजवासियों के मन में जब वृंदावन का भाव आया, ब्रह्म कुंड के माध्यम से सभी ब्रजवासी वृंदावन आ गए। बात बात पर कन्हैया एक ही बात कहते हैं, लाला अरे ब्रजवासियों, कैसो लगो मेरा बैकुंठ, है ना आपके वृंदावन से अच्छा मेरा बैकुंठ। तो ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया तेरा बैकुंठ तो को मुबारक हो, और हमें तेरे बैकुंठ की बिल्कुल भी जरूरत ना है। और कन्हैया हमने तुम्हारे बैकुंठ की बुराई ना करी, पर हमारे वृंदावन से तुम अपने बैकुंठ की तुलना नहीं कर सकते हो। कैसे? बोले, बैकुंठ में तो हम केवल खड़े होकर के चुप रहकर तुम्हारी स्तुति कर सकते हैं, और ये हमारे वृंदावन का वैशिष्ट्य है, ये हमारे वृंदावन का सुख है कि हम यहाँ तुम्हारे साथ में खेलते भी हैं, और खेल खेल में तुम्हारा कान भी पकड़ते हैं, तुमको घोड़ा भी बनाते हैं, तुम्हारे ऊपर भी बैठ जाते हैं, और ये सुख वृंदावन के अलावा अन्यत्र कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए धन धन वृंदावन रज धानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे तहां पानी। धन धन वृंदावन रज धानी, धन्य है श्रीधाम वृंदावन, के वृंदावन की अद्भुत महिमा है। और जिसको एक बार वृंदावन के रस का आस्वादन प्राप्त हो गया, उसे किसी और रस की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी और जरूरत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृंदावन में हमारे बिहारी जी की अहितु की कृपा जीव को वैसे ही प्राप्त हो जाती है। आज भगवान ने वट वृक्ष के नीचे बैठ करके सुंदर अपनी वेणु का निनाद किया। और आज भगवान जो गोपियों को वचन दे करके आए थे, वही सुंदर समय आया। कौन सा? भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। वही पावन रात्रि आई जिस रात्रि का वचन भगवान ने गोपियों को दिया था, और बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान ने अपनी सुंदर वेणु का वादन किया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, और आज प्रभु ने अपनी ऐसी सुंदर बंसी बजाई कि जो गोपी जिस काम में लगी हुई थी वो सभी अपने काम काज को छोड़ करके और दौड़ पड़ी प्रभु से मिलने के लिए। भगवान देखते हैं गोपियों के झुंड सामने से आ रहे हैं, गोपियों के झुंड आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से सब जगह से गोपियां भगवान से मिलने के लिए आ रही हैं। और आज उन सभी गोपियों का मेरे प्रभु ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा प्रियंकिं करवाणेव ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे महाभागाओ, हे देवियों, आपका बड़ा सुंदर स्वागत है, लेकिन आप इस रात्रि में यहाँ पर आई हैं तो ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण तो बताइए। गोपियां विचार करती हैं कि पहले बंसी बुला बजा करके हमको बुलाया और अब हमसे हमारे आने का कारण पूछते हैं। तो आज स्वयं भगवान ही कहते हैं, ओहो मैं समझ गया। रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्त्री भी सुमध्यमा। इस गौर रात्रि में चंद्रमा की चांदनी को देखने के लिए आप सभी गोपियां आई हो। आपने चंद्रमा की चांदनी को देख लिया, आपने वन की शोभा को देख लिया, अब तो वापस लौट जाओ। और भगवान कहते हैं, देवियों, पतिव्रता स्त्री का यही धर्म है कि अपने पति के चरणों में सर्वस्व न्योछावर करना चाहिए। भगवान कहते हैं, एक पतिव्रता स्त्री एक दिन अपने घर में बैठी थी और अचानक उसका पति काम पे से आया और उसने अपनी पतिव्रता स्त्री की गोद में सर रख करके सो गया। उसका नन्ना सा बालक वहीं पर खेल रहा था, पास में अग्नि कुंड था, और खेलते खेलते बालक अग्नि कुंड के पास में पहुंचा। और अग्नि कुंड के पास में जैसे ही बालक पहुंचा, वो पतिव्रता स्त्री सोचती है, आज कहीं मैंने अपने पति को जगाया तो मेरा पातिव्रत जाएगा, और कहीं मेरा बेटा अग्नि कुंड में गिर गया तो मेरा बेटा जाएगा। उसने अपने नेत्र बंद किए, परंतु देवियों, उस पतिव्रता स्त्री के पातिव्रत धर्म का प्रताप देखिए। बेटा अग्नि कुंड में गिर तो गया, लेकिन थोड़े समय के बाद जब पतिव्रता स्त्री के पति की नींद टूटी, दौड़ करके अग्नि कुंड के पास में पहुंची, जाकर के देखती है कि उस पातिव्रत धर्म का प्रताप देखो, वो अग्नि की लपटें, वो जलते हुए अंगारे उस बालक को जला नहीं पाए, उस बेटे का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। देवियों, इसलिए मैं कहता हूं, अपने पतियों के पास जाकर के अपने पतियों के चरणों में सर्वस्व अपना न्योछावर कर दो। आज गोपियां विचार करती हैं कि संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, हम सभी विषयों को छोड़कर के आपकी शरण में आई हैं और आज आप भी हमको छोड़ना चाहते हैं। और प्रभु, जो कथा आपने हमको सुनाई है, ऐसी दो चार कथाएं तो हम भी जानती हैं। भगवान ने कहा, जानती हैं तो सुनाओ। एक गोपी कहती है, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के चरणों में सर्वस्व न्योछावर करती, और ऐसी पतिव्रता प्रभु कि बिना अपने पति के दर्शन किए वो तो किसी को देखती तक नहीं है। और एक दिन पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, वो पतिव्रता स्त्री कहती है कि मैं तो आपको देखे बिना किसी को देखती नहीं। तो उस पति ने अपनी पत्नी को एक अपना फोटो दिया, बोले जब तक मैं लौटू नहीं तब तक मेरे फोटो की सेवा करो। उस पत्नी ने अपने घर के दरवाजे को बंद किया और अपने पति के सुंदर फोटो की सेवा कर रही है। अब जैसे अपने पति को नहलाती वैसे उसको स्नान कराती,
भोग लगाती, आरती करती, सहन कराती, सारी सेवा बिल्कुल अपने पति के जैसे ही अपने पति के फोटो की कर रही है। और एक दिन बहुत समय के बाद वह पतिव्रता स्त्री अपने पति के फोटो की सेवा कर रही थी और उसी समय पतिदेव का आगमन हुआ। पतिदेव दरवाजे पर आवाज लगा रहे थे, प्रभु अब हम आपसे पूछना चाहती हैं कि उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब सच्चा पति मिल गया है, जब सच्चा पति आ गया है तो फोटो की सेवा करने से क्या लाभ होगा? तब वह पतिव्रता स्त्री जाकर के अपने पति का स्वागत करना चाहिए। गोपियां कहती हैं प्रभु यही तो हम आपसे कहना चाहती हैं। क्या? ऐसे बर को बर जो जन में मर जाए, और बर ये गिरधर लाल को जुड़ लो अमर हो जाए। ऐसे बर के बरने से क्या फायदा जो जन्म लेता रहे मरता रहे, और प्रभु इस शरीर का पति संसार में चाहे कोई भी क्यों ना हो लेकिन आत्मा का पति सिवाय आपके और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जीवात्मा का पति तो कृष्ण ही है, और इसलिए प्रभु अब आप प्राप्त हो गए हो तो आप हमको वापस क्यों करना चाहते हो। और गोपियां के दिव्य भाव को देख करके भगवान गोपियों के बीच में प्रकट तो हुए, लेकिन उसी समय गोपियों को अपने शरीर का भान हुआ, गोपियों को देहाभिमान हुआ, और गोपियों के देहाभिमान को देख करके भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए। अब तो गोपियां रुदन करने लगी, जो भी मिलता है गोपियां उससे भगवान को पूछती हैं, बट व्रत से पूछती हैं, पीपल के व्रत से पूछती हैं, संसार में आपको नारायण के रूप में सब लोग पूछते हैं, आप ही बताओ हमारे प्रियतम कहां हैं। तुलसी मैया से पूछती हैं कि बिना आपके ठाकुर जी भोग नहीं लगाते, आप ही बताओ हमारे प्रियतम कहां हैं। करील के झाड़ों से पूछती हैं, यमुना की लहरों से पूछती हैं, और पृथ्वी देवी से पूछती हैं, हे चिथी हे पृथ्वी आप ही बताओ हमारे प्रियतम कहां हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते आज ऐसी हो गई कि कृष्णो हम पश्यत गति। गोपियां अपने आप को कृष्ण समझने लगी। एक गोपी कृष्ण बन गई और एक गोपी पूतना बन गई, और पूतना बनी गोपी को कृष्ण बनी गोपी ने नीचे पटक दिया, ब्रजवासियों तुम चिंता मत करो मैंने पूतना को मार दिया। एक गोपी अपने मुंह को खोल करके खड़ी हो गई, मैंने दावाग्नि का पान कर लिया। एक गोपी अपने दुपट्टे को ऊपर फेंक करके अपने हाथ को ऊपर करती है, मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया। लेकिन जैसे ही गोपियों के मन में दिव्य भाव आया कि प्रभु हम कृष्ण नहीं है, हम तो आपकी दासियां हैं, अब आप कृपा कर दो, हमसे आपका विरह सहन नहीं होता, माना कि हमारे जीवन में शारीरिक अभिमान आया, अब आप कृपा कर दो। गोपियों को अभिमान हुआ, लेकिन श्री किशोरी जी को मान हो गया। किशोरी जी जानती हैं यदि मैं नहीं जाऊंगी तो भगवान की कृपा इन गोपियों के ऊपर फिर कभी नहीं होगी, इन गोपियों को कभी प्राप्त नहीं होगी। और आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, श्री जी कहती हैं हे प्रभु अब तो हम पे चलो ही ना जावे। भगवान ने कहा चल नहीं सकती तो मेरे कांधे पर बैठ जाओ, और जैसे ही श्री जी ने कंधे पर बैठना चाहा भगवान श्री जी को भी छोड़ करके चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राम। और तब सभी गोपियां एकत्रित तो होकर के और कहां पर आई, पुनः पुलिन मांगत्या कालिंद्या कृष्ण भावना, समवेता जगहु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। सभी गोपियां पुनः पुलिन यमुना जी के पावन तट पर आई, और यमुना जी के पावन तट पर आकर के सभी गोपियों ने सुंदर एक दिव्य गीत गाया, एक सुंदर गीत गाया जिसे हम गोपी गीत कहते हैं, और गोपी गीत के माध्यम से ही ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। कहते हैं ये संपूर्ण भागवत जी भगवान का बांग में विग्रह है,
और उसमें दसवें स्कंद भगवान का हृदय और उसमें रास पंचाध्यायी के पांच अध्याय भगवान के पंच प्राण और उसमें गोपी गीत मुख्य प्राण। तो गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से जैसे ही ठाकुर जी को बुलाया और वास्तव में आइए आप और हम सब मिलकर के भी गोपी गीत के कुछ मंत्रों का श्रवण करेंगे। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज रक्षिता हो